अस्सलाम वालेकुम। एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ एक वेबिनार हो रहा था, तो उसमें उन्होंने मुझसे कि ये सवाल पूछा कि ये बताइए कि आपको किस चीज़ से डर लगता है और ये बताइए कि डर किसी को क्यों लगता है। तो मैंने इस छोटे से क्लिप में ये डिफाइन किया, मुझे उम्मीद है कि आपको भी सुनकर अच्छा लगेगा। अगले सवाल से मेरा आपसे ये है कि फियर जो है हर किसी की जिंदगी में होता है, इट्स अ ह्यूमन नेचर फियर। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जी फियर, तो डॉक्टर साहब की जिंदगी में क्या ऐसा फियर है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, जो आपको लगता है कि हाँ ये ऐसी चीज है। देखिए, मुझे इतना सोचना पड़ रहा है ना, तो जब इतना सोचना पड़ रहा होता है तो तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि इंसान को खौफ होता कब है, फियर होता कब है। फियर दो वजूहात से होता है। एक फियर होता है जब इल्म की कमी हो, जब किसी चीज के बारे में ला इल्मी हो या कम इल्मी हो। जैसे आप जा रहे हो और आपको ये पता लगे कि ये सामने एक भूत खड़ा हुआ है, ओ मैं क्या करूंगा, ये भूत खड़ा हुआ है। लेकिन थोड़ी देर बाद आपके इल्म में इजाफा होता है कि एक्चुअली पीछे एक खंबा है, उस खंबे की रोशनी की वजह से ये दरख्त का साया यहां तक आ रहा है। तो जूं ही वो इल्म आपको मिलता है तो आपका वो खौफ बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो एक तो हमारे खौफ की बुनियादी वजह हमारे इल्म के अंदर लेकुनाज, खाली जगह हैं, खला है, और वो इल्म जो है उसको बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए तो उससे खौफ दूर हो जाता है। और जो दूसरी खौफ की वजह है वो हमारी इनकैपेसिटी होती है। जब हम किसी चीज के इनकैपेबल होते हैं तो फिर हमें खौफ आता है। जैसे फर्ज करें मुझे मोटरसाइकिल चलाना नहीं आता और आप मुझे कहें इस मोटरसाइकिल को चला के वहां लेके जाइए, मैं बहुत खौफ ज़दा हूंगा। लेकिन जिस शख्स को मोटरसाइकिल चलाना आता है वो यहां हमारे यहां आपके पंजाब के गांव में भी होता होगा तो वो मौत के कुएं में भी मोटरसाइकिल चला लेते हैं। वो एक मौत का कुआं, एक सर्कस सा होता है, तो पता नहीं हिंदुस्तान में भी पंजाब के उसमें होता होगा, यहां तो हमारे यहां तो जिसको मोटरसाइकिल चलाना आता है वो मौत के कुएं में भी बेखौफ होकर मोटरसाइकिल चला लेता है, और जिसको नहीं चलाना आता वो कहेगा नहीं मैं नहीं चलाता। तो इसलिए खौफ की ये दो वजूहात हैं मेरे ख्याल में। एक वजह जो है वो हमारी इल्म का कम होना है और या इल्म का नाकिस होना है। बाज़ुकात यह है कि इल्म है मगर वो नाकिस इल्म है। और नंबर दो यह है कि हमारी इनकैपेसिटी है। लिहाजा हम में से कोई भी शख्स, जो भी मैं भी हूं, हमें जिन जिन बातों पर खौफ आता हो, जिन जो बातों से हम जिसे अफ्रेड हों, खौफ ज़दा हों, तो हमें डीप डाउन झांकना चाहिए कि मेरे इल्म में कहाँ नक्स है और मेरी कैपेसिटी में कहाँ कमी है, और इन दोनों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए।